हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार टेक्नीशियन सर्विस कमीशन पे जूनियर पोस्ट, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे निकली है वैकेंसी। कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ मेरिट बेस्ड पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपको बता दूँ, मेरिट बेस्ड पे सिलेक्शन होगा, ऑफिशियल नोटिस आ गई है। और इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, कितने पोस्ट हैं, तो इसमें बता दूँ आपको, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर के बम्पर वैकेंसी है, जो 6397 पोस्ट पे बहाली होगी। तो चलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाते हैं कि क्या है इस पूरा नोटिस में, जिसपे आपको सही से देखिए, उसके बाद अगर आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार हो तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ मेरिट बेस्ड पे इसका सिलेक्शन होगा। तो चलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाते हैं। फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए तीन ब्रांच के लिए है, असैनिक मतलब आपका सिविल, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल और विद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल पोस्ट पे आपका ये विज्ञापन निकला है। तो देखिए, इसमें पोस्ट है और कितने परसेंट आरक्षण है, तो इसमें महिला के लिए 35% और जो विकलांग से है उसको 4% और 2% और स्वतंत्र सेना के जो भी रिलेटिव है उनके आरक्षण दिया जाएगा। तो चलिए इसमें हम आपको दिखा दें कि कौन कौन सी पोस्ट पे कितने कितने वैकेंसी हैं। तो आयोग एवं विकास विभाग, इस पर आपका ग्रेड, आपका जो भी होगा वेतन 4600 पर ग्रेड पे है आपका, जो ये है असैनिक, कनिक, यांत्रिक मतलब आपका सिविल इंजीनियर के लिए जनरल के 519 और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो भी है, ओबीसी होगा या अनुसूचित जाति 228, टोटल आपका पोस्ट है 1298। ये यहाँ पे देखिए, दूसरा पोस्ट नगर विकास एवं आवास विकास के, ये भी सिविल इंजीनियर के लिए है, इसमें 49 पोस्ट है। और ग्रामीण कार्य विकास, इसमें असैनिक है, ये भी सिविल इंजीनियर के लिए है, इसमें देख सकते हैं जनरल ओबीसी और जो भी है आपका अनुसूचित जाति इस सब के लिए टोटल पोस्ट है। इस पर टोटल मैं आपको बता दे रहा हूँ, 768 पोस्ट है। लोक स्वतंत्र यांत्रिक विभाग, ये भी आपका है, देखिए यहाँ पे है आपका असैनिक और यांत्रिक मतलब मैकेनिकल और सिविल के लिए है, सिविल के लिए इसमें 457 है और मैकेनिकल के लिए 38 पोस्ट है। भवन निर्माण विभाग, इसमें है देखिए तीनों के लिए, सिविल के लिए भी है 15 पोस्ट है, विद्युत के लिए नहीं, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 15 पोस्ट, विद्युत के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए 106 और असैनिक मतलब यहाँ पे सिविल 310। जल संसाधन विभाग, इसमें भी देख सकते हैं असैनिक सिविल के लिए 2123, यांत्रिक और विद्युत के लिए 26 पोस्ट है। और उसके बाद आप देख सकते हैं पथ निर्माण विभाग में भी आपका सिविल के लिए 463 और यहाँ पे लघु जल संसाधन विभाग, इसमें है आंतरिक या इसमें है आपका सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल के लिए है 146। टोटल आपका है 6379। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो अब आप, हम आपको देख बताते हैं कि इसमें देखिए सिविल इंजीनियर डिप्लोमा आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। नई दिल्ली सिविल इंजीनियर डिप्लोमा हेतु पावर डिप्लोमा प्राप्त हो, यूजीसी हो चाहे या डीम्ड यूनिवर्सिटी से हो, या नॉन डिस्ट्रिक्ट मॉडल से असैनिक प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी या यूजीसी से मानता हो, जो आप जहां से डिप्लोमा किए हुए हो, तो इसमें क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा खोज रहा है। उसके बाद यांत्रिक है, उसमें भी आपका कुल विद्युत बल 90% अलिखित भारती, इसमें भी आपका नन मतलब डिप्लोमा है भी है, आपका क्वालिफिकेशन होगा डिप्लोमा, सबसे बड़ी बात। उसके बाद देखिए,
अब बात करते हैं हम लोग इसमें आयु की, तो इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष और आरक्षण इसे लेके आपका 37 और 40 वर्ष है। तो पिछड़े वर्ग 40 लिए, अनुसूचित जनजाति 42 और जो भी समान प्रतिशत विकलांग है उसके 10% छूट दिया जाएंगे। तो आप लोग इसके देख लीजिएगा आपके लिए कौन सब है छूट के लिए। तो उसके बाद चयनित प्रक्रिया आपका जो होगा डिप्लोमा या समक्ष योग प्रतिशत आधार पे 75 अंक दिया जाएगा और 5 अंक अधिक सीमा 25 अंक होने के लिए अधिकतम प्रक्रिया कार्य के लिए संख्या 5 गुना के लिए इतना भागों में देना होगा जिससे 25 अंक टोटल आपका कुल अंक 100 का होगा। तो आपको सिर्फ मेरिट बेस्ड पे ये एग्जाम होगा, कोई एग्जाम नहीं है इसमें, न कोई इंटरव्यू है। आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए और उसके अनुसार से आपको आरक्षण के लिए भी इसमें है पूरा डिटेल्स, आप लोग नोटिफिकेशन जाइए। और उसके बाद आपको पिछड़ा वर्ग एससी एससी पिछले वर्ग महिला इस सब के लिए आरक्षण इसमें बता दिया गया। और देखिए अब बात करते हैं अप्लीकेशन शुल्क के लिए, समान वर्ग के लिए 200 रुपये, समान वर्ग पिछड़े वर्ग के 200 रुपये, अनुसूचित जनजाति 50 रुपये, अनुसूचित आरक्षित वर्ग महिला के लिए 50 रुपये। तो राज्य के बाहर उम्मीदवारों के लिए 200 जो जनरल में आएंगे तो उनके लिए भी 200 रुपये की लगेगी। आप लोग इसको निःशुल्क दीजिएगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद महत्वपूर्ण देखिए इसमें और कुछ तो ज़्यादा नहीं है डिटेल्स, तो आप लोग इसको ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और कोई एग्ज़ाम नहीं है, आप लोग एग्ज़ाम कीजिए। अगर मेरिट बेस्ड पे है तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो नेक्स्ट अपडेट में हम आपसे फिर मिलते हैं, कमेंट करना अगर कोई भी डाउट है कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट करके डाउट क्लियर कीजिए और इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट अपडेट में आपसे फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।